खिलौना नहीं मिला इसीलिए लड़का रूठ गया। यदि आप इतना सरल गणित समझते हैं तो मैं आपसे क्या बात करूं? माफ करना बापू, आप सिर्फ लोगों की बात सुनते हैं क्योंकि अपना फैसला कभी नहीं बदलते। आपने मुझे विलायत पढ़ने ही भेजा, शुरुआत में मुझे दुख हुआ लेकिन मैं बाद में समझ गया कि मुझे भेजना तो आपके लिए मुमकिन ही नहीं था। बापू, छगन लाल को भेजने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि ना मुझे भेजा होता तो अच्छा होता? नहीं ना, मैं जानता था आपके लिए तो मैं, बार, रामदास, देवदास, हमारी कोई कीमत नहीं है। जो कहे सो करना, जहां ले जाए वहां जाना, आपको खुश रखने के लिए सब कुछ हंसते हंसते सहना। हमसे ज्यादा तो आपको आश्रम के दूसरे लोगों पर भरोसा हो क्योंकि वो सब कुछ ना कुछ छोड़ के आए हैं। किसी ने कुटुंब छोड़ा है तो किसी ने संपत्ति, किसी ने सत्ता तो किसी ने मान मर्तबा, जबकि हम तो आपके सर पर बोझ बनकर बैठे हैं। इसीलिए आपके नजर में हमारी कोई कीमत नहीं है। हमारा अपमान करने का एक भी मौका छोड़ा है आपने। मेरी बात छोड़ो, आपने तो बाप को भी नहीं बख्शा। एक चुटकी शक्कर के लिए आपने उन्हें सारे आश्रम वासियों के सामने बेइज्जत किया था। और ये सब मेरे जहन में आते ही मैं समझ गया कि आपके मन में हमारी कीमत एक माचिस की तीली जितनी है। जरूरत पड़े तो जलाना या फिर डिब्बी में बंद रखना। इसीलिए मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो आपका रबर स्टैंप बनकर यहां रहना या आपका साथ छोड़ना। बापू, मैं भी तो यही कहना चाहता हूं कि हमें भी गलती करने दो, क्या सही है और क्या गलत इसका फैसला हमें खुद तय करने दो। बचपन में आपने भी चोरी किया, नशा किया, मांस खाया और समाज और कुटुंब के विरोध जाकर अपने साथ समुंदर पार किया। ये सब कर गुजरने के बाद अपनी फकीरी स्वीकारी है बापू। अगर चलते चलते हमारे कदम लड़खड़ाते हैं तो हमें गिरकर खुद संभल ले दो। आप हमेशा ये क्यों चाहते हैं कि आपकी उंगली पकड़कर चलते रहे? मैं राजकोट से यहाँ साउथ अफ्रीका एक घर की तलाश में आए और मुझे क्या मिला? एक आश्रम। बापू यानी सिर्फ हमारे बापू नहीं, सार्वजनिक बापू। बा यानी सिर्फ हमारी बानी छगन मगन रुस्तम सौरभ की भी बा। और हिस्से देने में मुझे कोई एतराज नहीं है बापू, लेकिन हमेशा की तरह मुझे अकेले को ही कम क्यों? माँ जब रोटी परोसती है तो रोटी में अगर ज्यादा घी डल जाए तो रोटी कितनी मीठी हो जाती है। इसमें ऐसा कौन सा बड़ा अपराध हो गया ये मुझे समझाएंगे आप? बा ने देवदास को शक्कर दे दिया तो ये अपराध है? माफ करना बापू, इंसानों के लिए सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों के लिए इंसान नहीं। और ये सब कुछ देखकर मैंने आपको छोड़ने का फैसला किया। माफ करना।